हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित आर्या। आप देख रहे हैं मेरा टेक्निकल चैनल यूट्यूब डे में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि भोजपुरी सॉन्ग का आप कैसे डीजे बनाएंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको डीजे बनाते समय कोई भी परेशानी अगर आपको आती है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि भोजपुरी सॉन्ग का आप कैसे डीजे बनाएंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको डीजे बनाते समय कोई भी परेशानी अगर आपको आती है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको जो बताने वाला हूँ बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊंगा, तो इस वीडियो को एकदम स्किप मत करिएगा और ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट मैं अपना एप्पल स्टूडियो को ओपन करता हूँ। दोस्तों आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि अगर आप सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ ध्यान से ज़रूर सीखिएगा, ठीक है। तो चलिए मेरा एप्पल स्टूडियो ओपन हो गया। एप्पल स्टूडियो ओपन होने के बाद मैं यहाँ पे एक सॉन्ग को मैं यहाँ पे डालता हूँ। डालने के बाद देखिए, ये सॉन्ग है प्रमोद प्रेमी जी का, जो नया नया में आया है। मैं आपको थोड़ा सा सुना दूंगा और मैं आपसे बताऊंगा। मैं ज़्यादा ज़्यादा नहीं सुनाऊंगा क्योंकि कॉपीराइट का इशू रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, तो उसके बाद देखिए गाना जब भी आप यहाँ पे डाल देंगे, और डालने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना रहता है, यहाँ पे डिटेक्ट टेम्पो आपको करना रहता है ताकि आपको कोई भी बीट इधर उधर ना है, एकदम मैच हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए आपको डिटेक्ट टेम्पो करते हैं, और भोजपुरी में ज़्यादातर आपको करना है 100 से 200, ठीक है। तो 100 से 200 करने के बाद देखिए यहाँ पर डिटेक ये कर रहा है। डिटेक करने के बाद थोड़ा कुछ टाइम लेता है, उसके बाद आपको बीट पूरा मैचिंग आपको मिल जाएगा। तो देखिए अभी यहाँ पर डिटेक कर रहा है, आधा कर लिया है। तो ध्यान से ज़रूर देखिएगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे डिटेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसका बता रहा है कि टेम्पो इसका बीपीएम है 135। उसके बाद आपको यस कर देना। यस करने के बाद देखिए आपके सामने थोड़ा इधर उधर हुआ है, तो चलिए मैं यहाँ पे जो मेन बेस रहता है उसको पकड़ते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मेन बेस है, तो मेन बेस पे यहाँ पे जो हाईलाइट जो ये आपको दिख रहा है लाइनिंग, यहाँ पे आपको करना है, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा आगे सुन लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि बेस यहाँ पे फोर फोर पे यहाँ पे गिरता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको गाना को, जो भी गाना आप डालते हैं, तो उसका आपको जो बैकग्राउंड है उसको आपको क्लियर करना है। तो यहाँ पे आपको ऑटो कर देना, उसके बाद यहाँ पे ट्रैक पर क्लिक करना है। ट्रैक पर जैसे आप क्लिक करेंगे डायरेक्टली आपको यहाँ पर आ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद आपको आना है यहाँ पर EQ2 पैरामीटर जो होता है, उसके बाद आपको यहाँ से गाने सुन सुन के, मैं यहाँ बस आपको सिंपल मैं बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको कर लेना है अपने हिसाब से। अब चलिए मैं इसको थोड़ा सा सुन लेता हूँ। तो देखिए थोड़ा सा बैकग्राउंड थोड़ा ये जो होता है उसका जो ओरिजिनल का ये हटा हुआ है, और आपको यहाँ पे वैल्यूम को यहाँ पे कर देना है 100, यहाँ पे 100 नहीं, यहाँ पे कर देना आपको 50, 50 या फिर 55 कर देना, मतलब आधे कर देना, ठीक है। अब चलिए मैं दोबारा इसको सुनता हूँ। अब चलिए ये चीज़ हो गया। अब चलिए मैं आपको यहाँ पे कैसे कैसे बीट को यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो अगर आपके पास बीट है तो यहाँ से आप ले लेंगे या फिर अपने पास से डाल लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे मैं बेस ढूंढता हूँ कहाँ अच्छा कहाँ। अच्छा तो ये रहा मेरा बेस, तो मैं बेस को यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। तो देखिए अगर आप पैटर्न में सीखना चाहते हैं तो चलिए मैं आपको पैटर्न में मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक पैटर्न यहाँ पे कर देना है, उसके बाद आपको यहाँ पे जो मैंने ये बेस डाला था, अगर आपको बेस टाइट अगर करना सीखना है तो आप कमेंट में बताइए, मैं आपको हार्ड बेस बताने के लिए मैं सिखाऊंगा। तो यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे करना है
फिल इच फोर स्टेप, ठीक है? अब देखिए, ठीक है, और थोड़ा सा मैं गाने को थोड़ा कम कर देता हूँ ताकि मैं जो भी चीज़ लगाऊँ आपको पूरा पूरा सही से सुनाई दे, ठीक है? अब चलिए मैं दूसरा चीज़ जो लगाने वाला हूँ, तो यहाँ पे आपको पैटर्न नंबर दो कर देना है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कृपया आप ध्यान से ज़रूर देखिए। चलिए मैं यहाँ पे दूसरा चीज़ लगाने वाला हूँ, और आपको मैं जो भी मैं बताऊंगा आपको सेम टू सेम जैसे जैसे सॉन्ग में बजा रहेगा वैसे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अब ये थोड़ा आपको मास्टरिंग करना है दोस्तों, ठीक है? यहाँ से आप मास्टरिंग कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, मैं आपको बस दिखा रहा हूँ कैसे कैसे क्या क्या करना है, ठीक है? उसके बाद आपको, अब देखिए आपको मैं सुनाता हूँ। अब थोड़ा गाना सुनता हूँ। तो ये एक हुड़का जो आता है डू डू जो कर रहा है पानी की जैसे, वो आपको डालना है। तो यहाँ पे मैं दो पैटर्न, सॉरी तीसरी पैटर्न को मैं यहाँ पे डालता हूँ, और मैं देखता हूँ मेरे पास अगर वो है तो डाल दूंगा। देखिए ये चीज रहा, तो यहाँ पे मैं इसको डालने के बाद यहाँ पे आपको करना लास्ट में यहाँ पे दो दो कर देना है। अब चलिए मैं थोड़ा सा सुन के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, अब चलिए मैं थोड़ा सा छन छन डालूंगा, तो छन छन में आपको चार पैटर्न पे यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है? और यहाँ पैटर्न पे लेने के बाद आपको क्या करना है, छन छन ढूंढ लेना, या फिर एफएल में ही रहता है, यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है? तो आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप तीन तीन करना है, ठीक है? चाहो तो आप यहाँ से थोड़ा आवाज़ कम कर सकते हो। अब देखिए ये फाइनल जहाँ तक हमको लगता है ये हो गया है, चलिए आपको सुनाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप पैटर्न आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है? अब चलिए यहाँ पे मैं आपको शुरू में दिखाता हूँ मैं किस तरीके से मैंने बनाया हुआ है, ठीक है? तो इसको आपको क्या करना है, सेम टू सेम अगर बनाना है तो आपको यहाँ पे बीट सारे मिलते हैं, तो ये मैंने सारे के सारे मैंने खरीद के रखा हुआ है, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। तो इसका मैं यहाँ पे कर देता हूँ दो, उसके बाद यहाँ पे इसको कट कर दूंगा। अब चलिए आपको सुनाता हूँ। तो ये चीज जो मैंने चीज लगाया हुआ है ये वाला, तो इसका आवाज़ आपको कम कर देना है ताकि सॉन्ग में आपको मैच हो सके, ठीक है दोस्तों? तो इस तरीके से आप किसी भी सॉन्ग को आसान से डीजे में आप बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। तो चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और कमेंट बताइए आपको क्या चीज़ आपको और भी जानना ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।